नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी केसरवानी। आप देख रहे हैं खबरें इंडिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनर्जी स्वराज यात्रा बस में सवारी की, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी ने बनाया है। एनर्जी स्वराज यात्रा बस सौर ऊर्जा पर चलती है। इसमें संपूर्ण कार्य सह आवासीय इकाई भी शामिल है। प्रोफेसर वर्ष 2020 से सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बस में यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 2030 तक जारी रहेगी। सवारी लेते समय शिक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस बस को 100% सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए एक सार्वजनिक आंदोलन बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस बस में रहने वाले को स्नान, खाना पकाने, सोने, काम करने, बैठक और प्रशिक्षण जैसी सभी दैनिक गतिविधियों को करने की अनुमति मिलती है। इस बस को 3.2 किलोवाट के सोलर पैनल से लैस किया गया है। इसमें 6 किलोवाट घंटे की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है। एनर्जी स्वराज यात्रा की अवधारणा जलवायु परिवर्तन को कम करने और ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन एक आपातकाल बन गया है, जिसे कम करने के लिए सार्वजनिक प्रयासों की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए ऊर्जा स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। डॉक्टर सोलंकी ने सौर ऊर्जा को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में एनर्जी स्वराज यात्रा मिशन शुरू किया है। वह IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने वर्ष 2030 तक घर नहीं जाने का वादा किया है। 2020 से 2030 के दौरान उन्होंने सौर बस में रहने और यात्रा करने का संकल्प लिया है। उन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिपोर्ट खबरें इंडिया टीम। दीजिए हमें इजाजत, बाकी के खबरों के लिए बने रहिए खबरें इंडिया के साथ।